दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों एक बड़ी खबर देख लेते हैं। कल 17 मई और 18 मई को गेहूं का नीलाम नहीं होगा, तो मंडी गेहूं की हड़ताल रहेगी, मंडी बंद रहेगी, केवल गेहूं की, बाकी सभी जिनसों का नीलामी कार्य नीमच मंडी में चालू रहेगा। केवल गेहूं जो नई मंडी में ट्रोलियों में विक्रय हो रहा है वो नहीं होगा। उसका कारण है पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल हो है गेहूं के व्यापारियों के द्वारा, क्योंकि अभी कल आपने देखा होगा एक सूचना खबर सुनी है, लगभग केंद्र सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैंड कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है तत्काल प्रभाव से, वो भी तत्काल मतलब तुरंत में। तो व्यापारी वर्ग का विरोध स्वरूप ये बंद का आह्वान किया गया, मंडियों का बंद का, जिसमें नीमच मंडी में केवल गेहूं का नीलाम बंद रहेगा, बाकी जिन्सों की नीलामी प्रक्रिया यथावत चालू रहेगी। तीन दिनों के अवकाश के बाद कल मंडियां चलेगी, गेहूं को छोड़कर बाकी सभी मंडियों का नीलामी कार्य होगा। सारी किराना जिनसे औषधि उपज, लहसुन प्याज, दलहन तिलहन, सारी मंडियां का नीलामी कार्य रहेगा। कल 17 मई को मंडी चालू रहेगी, सिर्फ गेहूं की मंडी बंद रहेगी। तो किसान बंधुओं से निवेदन है, अपनी उपज विक्रय हेतु गेहूं की नई मंडी में लेकर न जाएं कल, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 17 और 18 मई दो दिन लगातार मंडी गेहूं की बंद है। तो ये गेहूं जो भी किसान बंधु लेकर आ रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है, वो अपनी उपज विक्रय हेतु लेकर नई मंडी डुंगलाउदा चंगेरा में लेकर न जावें कल, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब इसका रीजन और कारण भी समझ लेते हैं कुछ, कि बंद करने का कारण क्या है। व्यापारिक वर्ग का कहना है कि तुरंत तत्काल प्रभाव से जो एक्सपोर्ट बंद हुआ है उससे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जहां कांडला पोर्ट पर है वहां स्थिति अभी ऐसी है कि वहां कई गाड़ियां खड़ी है, ट्रकें खड़ी है, लोड यहां से जो एमपी के व्यापारियों द्वारा या अन्य राज्यों के व्यापारियों द्वारा भेजा गया है, वो पोर्ट पे कई गाड़ियों की लंबी कतारें लग रही है, उनके वीडियो क्लिप भी आ रहे हैं, बहुत लंबी लंबी कतारें हैं और गाड़ियां माल खाली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जो एक्सपोर्टर माल ले रहे थे उन्होंने लेना बंद कर दिया, उन्होंने हाथ खींच दिए हैं, तो जिसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सपोर्टर माल ले नहीं रहे हैं क्योंकि एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लग गया है और व्यापारियों का कई गाड़ियां वहां खड़ी है, तो पैसा जाम जैसा लग रहा है, बहुत लंबा फिगर दिखता ही है। और इस वजह से विरोध स्वरूप एक सांकेतिक हड़ताल स्वरूप कहा गया है कि जो गाड़ियां वहां तक पहुंची हुई है पोर्ट पे, कांडला पोर्ट बंदरगाह पर, उन गाड़ियों को खाली करा जाए, उनकी एक्सपोर्ट की अनुमति दी जाए, अन्यथा उस गाड़ियों को भेजने का ही 300-400 रुपये क्विंटल का तो खर्चा ही आ जाता है पोर्ट पर भेजने का, और उसको रिटर्न लेके आए तो बड़ा मद्दी वाड़ा जैसा गेप हो जाएगा। तो भारी नुकसान जैसी खबर है और फिगर लाखों में करोड़ों में नहीं अरबों रुपए तक भी पहुंच सक जाए, क्योंकि इतना बड़ा क्वांटिटी में वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई है। और देखते हैं अब क्या होता है, सरकार उसको एक्सपोर्ट की अनुमति देती या नहीं, जो पोर्ट पे माल है तो ये उसी को एक्सपोर्ट हो जाए, वो माल जो वहाँ पर जा चुका है, जहाँ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग रही है, वो गाड़ियाँ खाली हो जाए, वही डिमांड के स्वरूप में मंडियाँ बंद है। तो वो क्लिप मैं इस पर जोड़ नहीं रहा हूँ, बाकी वो क्लिप बहुत लंबी है, कई गाड़ियाँ की क्लिपें हैं वहाँ पर, जो वहाँ के जो ट्रक ड्राइवरों ने जो वीडियो बनाकर भेजे हैं उनको पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लग रही है, सारी गाड़ियाँ गेहूं की है, जिधर देखो उधर गेहूं की गाड़ियाँ नज़र आ रही है कांडला पोर्ट के ऊपर, ऐसी खबरें आ रही है।